प्रति समर्पित मन ही मानवता की सच्ची सेवा कर सकता है और एक सही मनुष्य बनकर पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी जीवन जी सकता है। यह उद्गार निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के पहले दिन के मुख्य सत्र में उपस्थित विशाल मानव परिवार को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। 3 दिवसीय निरंकारी संत समागम का भव्य शुभारंभ शनिवार को निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में हुआ है, जिसमें देश विदेश से लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त एवं प्रभु प्रेमी सज्जन सम्मिलित हुए और सभी ने इस पावन अवसर का आनंद लिया। श्रद्धालुओं में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का समावेश होने से अनेकता में एकता का सुंदर नजारा यहां देखने को मिल रहा है। इस संत समागम में देश के कोने कोने से एवं दूर देशों से लाखों की संख्या में उपस्थित होकर इस पावन अवसर का भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जहां सभी भक्तजनों की ठहरने की सभी व्यवस्था समागम स्थल पर की है, सभी के लिए 24 घंटे यहां लंगर की व्यवस्था की गई है, विशेष रूप में दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। सद्गुरु माता जी ने फरमाया कि जीवन में सेवा एवं समर्पण का भाव अपनाने से ही सुकून आ सकता है। संसार में जब मनुष्य किसी व्यवसाय के साथ जुड़ा होता है, तब वहां का समर्पण किसी भय अथवा अन्य कारण से हो सकता है, जिससे सुकून प्राप्त नहीं हो सकता। भक्त के जीवन का वास्तविक समर्पण तो प्रेमाभाव में स्वयं को अर्पण कर इस परमात्मा का होकर ही हो सकता है। वास्तविक रूप में ऐसा समर्पण ही मुबारक होता है। आइए सुनते हैं माता सुदीक्षा जी ने अपने संदेश में क्या कहा। जहां सभी ने ये भाव संतों के श्रवण किए कि कैसे जीवन में जो एक माया से अगर जुड़ेंगे, एक सुकून अगर वस्तुओं को या परिस्थितियों को बनाएंगे, तो वो बदलाव तो आना ही है। और जो आज सुकून दे रहे हैं, कल वो एक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो कैसे एक सुकून को हर समय चाहिए, तो क्या करना चाहिए। और आज भी संतों ने यही समझाया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से कायम दायम है और रहेगा। इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं, ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा।